चक्रवाती तूफान मीचोंग के प्रभाव के कारण आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हुई है। चक्रवाती तूफान के दक्षिण तटीय क्षेत्र के समीप टकराने से पहले राज्य सरकार ने 8 जिलों में अलर्ट जारी किया है। गंभीर चक्रवाती तूफान के मंगलवार दोपहर को बापतला के समीप टकराने की संभावना है, जिसके साथ ही 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम विभाग ने 7 दिसंबर तक इस तरह की स्थिति बरकरार रहने और उसके बाद गहन दबाव क्षेत्र में तब्दील होने की संभावना जताई है। मौसम केंद्र के प्रभारी निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि 6 और 7 दिसंबर को राज्य के करीब करीब सभी हिस्से में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 8 दिसंबर तक बादल रहेंगे, इससे न्यूनतम तापमान चढ़ा रहेगा, जबकि बादल की वजह से अधिकतम तापमान गिर सकता है। 9 दिसंबर से आसमान साफ हो सकता है, इसके बाद न्यूनतम तापमान के गिरने की उम्मीद है। वहीं बिहार के दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में कुछ जगहों में हल्की बारिश की संभावना है। बारिश की संभावना अधिकतम 7 दिसंबर तक है। IMD पटना ने तूफान को लेकर बिहार में किसी भी तरह का अलर्ट अब तक जारी नहीं किया है। वहीं स्काईमेट वेदर के अनुसार मंगलवार को आंध्र प्रदेश में 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। पूर्वी तेलंगाना और ओडिशा के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम बारिश के साथ एक या दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। गंभीर चक्रवाती तूफान मीचोंग के मद्देनजर ओडिशा सरकार ने एहतियात के तौर पर राज्य के दक्षिणी जिले में बचाव दल तैनात किए हैं। तूफान के मंगलवार को आंध्र प्रदेश में नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच बापतला के करीब टकराने की आशंका व्यक्त की गई है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।